नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वृषभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। न्याय के देवता, न्याय के ग्रह शनिदेव का राशि परिवर्तन 24 जनवरी 2020 को हो रहा है। शनिदेव स्वराशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे 2020 जनवरी में। इसी वर्ष 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक शनिदेव मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में शनिदेव का यह परिवर्तन क्या परिणाम देने वाला है। वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके जीवन को आगे ले जा सकती हैं, तरक्की दिला सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के इस परिवर्तन से मिलने वाले शुभ अशुभ प्रभावों की, उपायों की, कैसे बचा जाए और क्या कुछ घटित होगा जिसको हम पहले से जानकर काफ़ी बचाव कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं शनिदेव न्याय के देवता है, कर्मों के आधार पर तुरंत फल देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। आपकी राशि से यह गोचर नवम भाव में हो रहा है और देखिए ध्यान से गोचर कुंडली को, नवम भाव में शनिदेव विराजित हैं। शनिदेव की तीन दृष्टियां होती है, तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि शनिदेव की खासियत है। जहाँ पर शनिदेव बैठ जाते हैं वहाँ पर उस भाव को बढ़ा देते हैं और जहाँ पर देखते हैं उसको तबाह कर देते हैं या क्षति पहुंचा देते हैं। ये शनि देव की एक विशेष बात है कि जहाँ बैठे उस भाव को बढ़ा दिया, जहाँ देखा उसको उड़ा दिया यानी कि खराब कर दिया। तो शनि देव की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर और दसवीं दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ेगी, नवम स्थान में शनि जब बैठेंगे तब। भाग्य भाव में शनि का बैठना सामान्य फल देता है, बहुत ज़्यादा ना अच्छे ना बहुत ज़्यादा बुरे। आपको बहुत अधिक मेहनत कराएंगे शनिदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र शनि का यदि कोई सहयोग आपकी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में नहीं बन रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में, जो जन्म के समय कुंडली बनती है, उसमें चंद्रमा और शनि का कोई भी संयोग बन रहा है, क्योंकि चंद्र और शनि विष दोष का निर्माण करते हैं और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, जो मन ही भ्रमित हो गया, मन ही प्रभावित हो गया जहर के कारण, तो फिर आराम कैसे मिलेगा, यानी निर्णय फैसले सब कुछ गलत होते चले जाएंगे। तो अगर चंद्र और शनि का संयोग आपकी जन्म कुंडली में नहीं बन रहा है किसी भी कारण से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको भाग्य का साथ शीघ्रता से प्राप्त नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कठिन मेहनत करनी होगी और पहले से अधिक मेहनत करनी होगी शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए। आपके भाग्य भाव में शनि के बैठने के कारण आपके भाग्य में रुकावटें आएंगी, भाग्य जो है धीरे धीरे तो आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगा और धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी। शनिदेव आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल देंगे, लेकिन वक्त के साथ देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इरिटेट ना होइएगा, अपनी जुबान को गंदा मत कर लीजिएगा अगर आपको मिलने वाले फलों में थोड़ी सी देरी होती है या विलंब होता है, तो उसको सब्र करने की हिम्मत अपने अंदर लेकर जरूर आइएगा। शनिदेव आपके अंदर साहस पैदा करेंगे, आपकी भाषा में मधुरता होगी, जिससे भी बात करेंगे वो आपका दीवाना टाइप का हो सकता है। आपका काम करने का तरीका बहुत ही बढ़िया होगा, आप सोच विचार कर काम करेंगे या करेंगी, बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी के कह देने पर आप शायद काम ना करें। जब तक आपको खुद संतुष्टि ना हो जाए या जब तक आप खुद उस काम के बारे में ना जान जाए, तब तक आप किसी को भी हाँ या ना नहीं कहती हैं या नहीं कहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो शनिदेव आपको सोच विचार कर काम कराने की प्रेरणा देने वाले हैं। यहाँ पर आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, आपके द्वारा शनिदेव कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और कैसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट काम कराएंगे जिससे आपका नाम पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और समाज में लोग आपको लंबे वक्त तक याद रखेंगे। आपके पास अधिकार होगा, पावर होगी, घर को चलाने का अधिकार, अपनी नौकरी में अपने सहकर्मियों को चलाने का अधिकार, अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का अधिकार, यानी आपके पास
श्री देव बहुत सारे राइट्स दे देंगे जिससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके भाई बहन से कुछ अनुभव या तनाव हो सकता है, पिता पुत्री के रिश्तों में कमी आ सकती है, आपका मन ज्योतिष धर्म कर्म तंत्र मंत्र में लग सकता है। अगर आप ज्योतिषी हैं या धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो यह वक्त आपको लाभ देगा। आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे, आपके शरीर में आलस हो सकता है, इस आलस को पैदा नहीं होने देना है। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध और आपके जो है वो बढ़िया रहेंगे, दोस्ती बढ़िया रहेगी। आपको वादा खिलाफी बिल्कुल नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, इससे आपको नुकसान होगा। आपको किसी गरीब को नहीं सताना है, किसी अपने मित्र को दोस्त को आपके साथ में रहने वाला जो भी इंसान है उसका दिल नहीं तोड़ना है। नौकरी में प्रमोशन होगा लेकिन तब होगा जब शनिदेव चाहेंगे। आप लाख कोशिश कर लें, आपके चाहने पर नहीं होगा। आप मेहनत करिए, मेहनत पे कमी मत लेके आइए। ये मत सोचिए कि मैंने मेहनत कर ली तो कल प्रमोशन हो जाएगा, कल बॉस खुश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मेहनत करते जाइए, शनि देव आपके बॉस को मनवा कर आपका प्रमोशन करा देंगे। तो आपको सिर्फ मेहनत की तरफ ध्यान देना है, ना कि प्रमोशन के बारे में ध्यान देना है। आप काम करते जाइए, कर्म करते जाइए, सब कुछ मिलता चला जाएगा। आपको किन कामों में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है वो भी आपको बता दूं। आपको टीचर लाइन से जुड़े हैं तो फायदा हो सकता है, वकील हैं या जोशी हैं तो आपके लिए समय बढ़िया रहेगा और आनंद का रहेगा, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। आपको विलासिता से बचना होगा, पराई स्त्री के साथ आपको संपर्क में नहीं आना होगा। आपका विवाह हो गया है तो पत्नी की तरफ से आपको धन प्राप्ति के योग हैं, अपने चरित्र को बढ़िया रखने का प्रयास करना होगा। आप दूरदर्शी होंगे या होंगी, वक्त से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। इस खास गुण का प्रयोग करिएगा, आलस में भूल मत जाइएगा। शनि देव आपको बहुत कुछ देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देंगे, सब्र करके देंगे, यानी कि सब्र का फल जैसे बोला जाता है मीठा होता है, तो शनि देव आपको चेक करने वाले हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है, कहीं आप उतावलेपन में आकर अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं या कर रही, इस चीज़ की भी चेकिंग करेंगे शनि देव। जिसके पास धैर्य होगा, जिसके अच्छे कर्म होंगे, जो किसी को सताएगा नहीं, निश्चित तौर पर शनि देव की कृपा का पात्र होगा। कई बार आपके मन में लालच आ जाएगा, लालच का जन्म होगा कि मैं लालच से पैसा कमा लूँ, लालच से कोई काम पूरा कर लूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। लालच शब्द के जुड़ते ही आपका पतन शुरू हो जाएगा। आप दूसरों की सहायता करें लेकिन किसी को परेशान ना करें। आप जानवरों का बहुत ख्याल रखें, जानवरों को किसी प्रकार से सताए नहीं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके मन में लालच, लोभ और वासना, ये तीनों आ सकती हैं। अगर ये तीनों आ गई तो आपको निश्चित तौर पे बड़े ज़्यादा कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। शनि देव आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे और आपको दूसरों की सहायता करनी होगी, किसी को परेशान नहीं करना होगा। कई बार अनेक बार आपके मन में जब भी लोभ या लालच आए तो एक बार ये देख लीजिएगा कि शनि देव दंडित भी करेंगे, किसी को परेशान करके झूठ बोल के दो पैसे कमाएंगे तो वो आपको चुकाने भी पड़ेंगे, दो का दस देना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनि देव का या जो परिवर्तन है या जो गोचर है आपको अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है सीधे राह पर चलने के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है लेकिन दिक्कत परेशानी हुई तो फिर उसको निपटाते निपटाते एक लंबा वक्त बीत जाएगा। अब आपको कुछ उपाय करने को मैं बताऊंगा जिसको करने से आपको लाभ होगा। तो बहते हुए पानी में चावल या बादाम को बहाएं, आपको लाभ होगा। गुरु का उपचार करें यानी जुपिटर का इलाज करें, बहुत बढ़िया होगा। हनुमान जी की आरती करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें, बहुत लाभ होगा। इतना कर लीजिएगा, कल्याण ही कल्याण। और अगर आपने एक काम और करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। और अगर आप अपनी राशि का शनि सुरक्षा कवच मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मंगवाएं और शनि के ज्ञात अज्ञात अशुभ प्रभावों से बचें और जीवन में तरक्की करें। हरिओम, नमस्कार।